हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे थे हमारे दिल्ली के जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय बिमल जैन साहब। वे अपने जीवन काल में कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदों पर कार्य करते हुए समाज की भलाई और हित में कई कार्य किए। साथ ही वे कई अस्पताल, क्लब, आश्रम के फाउंडर एवं प्रेरणा स्रोत बनकर कई संस्थाओं के माध्यम से जीवन पर्यंत धर्म एवं समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रहे। स्वर्गीय विमल जैन की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी इनक्लेव में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, भारी भीड़ की उपस्थिति में उनके नाम पर बाटके का नामकरण समारोह आयोजित किया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुहाट बाट के अंतर्गत राजधानी इनक्लेव पीतमपुरा में पार्क का नामकरण सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय विमल जैन साहब के नाम पर किया गया। 17 मार्च को विमल जैन वाटिका शिलापट अनावरण समारोह के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जेपी, भाजपा जिला केशवपुरम के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन कंसल, केशवपुरम जोन के चेयरमैन जोगीराम जैन, निगम पार्षद मीनाक्षी बेनीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र बेनीवाल सहित अनेक सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग शामिल हुए। काम करने का काम कोई छोटा छोटा काम नहीं होता। जिस व्यक्ति का समाज के अंदर धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस क्षेत्र में लोगों को दिशा देने का काम, लोगों को सहयोग करने का काम, लोगों को जोड़ने का काम, ऐसे ही लोगों के नाम से नामकरण किया जाता है। देखिए विमल जैन जी वैसे जैन समाज के बहुत बड़े व्यक्ति थे और समाज को जोड़ने के लिए समाज को मैं हमेशा बीच में रहते थे। आज उनके नाम से वाटिका की नामकरण हुआ है, वो हमेशा हमारे को प्रेरणा देंगे कि हम समाज में कैसे सबको जोड़ सकते हैं, कैसे लोगों के काम आ सकते हैं, कैसे धार्मिक सामाजिक कामों में अपना योगदान दे सकते हैं। तो विमल जैन परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हम सब करके आगे भी ऐसे समाज जीवन में काम। केंद्रीय सर आज एक बिल जो पारित किया है उसके खिलाफ केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्रिमंडल के साथ। केजरीवाल जी तो पुराना धरना मंत्री है, वो अपना नया काम पुराने वाला काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, जो संविधान में लिखा है उस व्यवस्था के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा। देखिए जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी समाज हो, उनके जाने के बाद भी उनकी कदर करता है। आज विमल जैन वाटिका का जो अनावरण है, यहाँ की कर्मठ क्षेत्रीय निगम पार्षद बहन मीनाक्षी बेनीवाल के माध्यम से नगर निगम ने इस वाटिका का नाम रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का समाज के प्रति सम्मान दर्शाता है और समाज में जो किरदार, सामाजिक गतिविधियां और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि उसके प्रति भी सम्मान करके अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं। इस वाटिका के माध्यम से विमल जैन जी के बारे में समाज को पता चलेगा और समाज में सकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी आशय के साथ बहन मीनाक्षी ने इस वाटिका का अनावरण करवाया। देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मीनाक्षी जी हमारे इस कोहाट वार्ड में इतना काम करा रही हैं बिना फंड के, बिना पैसे के भी जो है, और हर रोज़ नया नया जो काम जो है वो करवा रही हैं, ये बधाई की पात्र हैं। दूसरे हमारा जैन समाज जो है, क्योंकि मैं तो बहुत पूरे जैन समाज की बात कहूँगा कि इन कामों में अग्रणी भूमिका निभाता है, केवल उनको प्रोत्साहित करने का एक माध्यम चाहिए। मीनाक्षी जी ने, विमल जैन जी जो रहे हमारे, उनके नाम से ये वाटिका का नाम रखा है, उनके परिवार ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया है और कहा कि उनके नाम से कम एक यादगार जो है ना, उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए काम किया है, तो उनकी यादगार के लिए उन्होंने इस वाटिका का नाम रखा है। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। अब क्या है कि समाज में लोगों की भागीदारी इन चीज़ों में रहेगी तो निगम को या सरकार को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेके आगे आगे बढ़ के उसमें काम भी करेंगे, अपना सहयोग भी देंगे और पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम होगा। तो इसलिए मैं इस अवसर पर
मीनाक्षी जी और अपने पूरे वार्ड के जितने भी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष और जितने भी लोग हैं यहाँ, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं ज़रूर कहूँगा मीनाक्षी जी को, फिर जो यहाँ लोग हैं, जो उनका चेयरमैन होने के नाते अगर कभी भी किसी तरह का काम हो और जैन समाज का भी कोई काम हो उनसे, तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। कहिए जयसवाल जी। सर, आज आप उद्घाटन में पहुँचे हैं, सर क्या समझे? नहीं, उद्घाटन में पहुँचे नहीं हैं, ये उद्घाटन हमारी ड्यूटी थी क्योंकि विमल जैन जी, मैं यहाँ लगभग 4 साल जिला अध्यक्ष रहा, तो विमल जैन जी का जो काम देखा मैंने यहाँ या आस पास कहीं भी, मेरे ख्याल रूटीन था जब भी आज कंचन जी, आज मेरी कथा है, आज भजन है, यहाँ सारे समाज में इतनी अग्रणी भूमिका निभाते थे और कोई भी कार्यक्रम करें तो सबको साथ लेके सबको जोड़ना। अब बहुत जल्दी वो चले गए, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन गए जब हमारी, जब उनकी क्रिया हो रही थी, मैं क्योंकि मेरे वो दामाद भी लगते हैं, तो मैं, मीनाक्षी और रविंद्र दोनों वहीं क्रिया में बैठे, तो कुछ लोगों ने कहा कि विमल जी बहुत अच्छे आदमी थे, कि इनकी यादगार रहे। तो मैंने तुरंत दिन से पूछा, मैंने कहा बेटा वो उनके नाम से कोई रोड या वाटिका कर दो ना घोषणा, बिल्कुल हो जाएगी, आपकी बच्ची बैठी है, तो मैं साधुवाद देता हूँ। मीनाक्षी और रविंद्र तुरंत कुछ दिन क्रिया वाले दिन हमने घोषणा की और फिर लगा कि यार उनकी प्रथम पुण्यतिथि तक हम कर देंगे। तो मार्च में आप देख ही रहे हो, 17 मार्च है, उन बिटवीन चुनाव थे, फिर ये सारा जब से चली रहा है कोरोना वाला मैटर, तो आज दूसरी पुण्यतिथि पर ये सच्ची श्रद्धांजलि आज हमारे इस निगम पार्षद ने भी, यहाँ की जनता ने भी, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, हमारे चेयरमैन साहब जैन साहब आए हैं, या मैं अपनी तरफ से भी कहूँ तो एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि विमल जैन जी का नाम हमेशा रहेगा और उन सबको एक ये प्रेरणा भी मिलेगी, देखो यार काम करने वाला व्यक्ति कहीं हमेशा समाज में, आज कहते हैं ना वो तारे की तरह एक रहेंगे, तो ऐसे उनको लगेगा यार हमें भी समाज में रहना चाहिए, हमारा नाम भी ऐसे ही हमेशा रहेगा और ये परिवार भी, पूरे बच्चे अंशुल भी, छोटा भाई भी, सारे उसमें समाज में लगे रहते हैं और उस सेवा में, कहते हैं ना वो एक कि मैं अपनी माँ कहती है मैं अपनी जीत जब मानूंगी जब बेटा तू मुझे हरा देगा, तो आज सुरख से वो दुआ दे रहे होंगे इन बच्चों को कि ये बच्चे उनसे भी एक कदम आगे समाज सेवा में और धार्मिक सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस परिवार को साधुवाद देता हूँ कि जिस सेवा में, जिस लगन से, भावना से ये काम करते हैं, इसी में लगे रहे, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि, धन्यवाद। करने में जितनी बड़ी चुनौती रही, आज नामकरण हो रहा है, नहीं चुनौती है एक्चुअली, मेरे पूरे वार्ड क्षेत्र में कोई भी पार्क ऐसा नहीं होगा जो आपको गंदा मिलेगा। अभी थोड़ा फंड ना होने के कारण और बस हमें थोड़ा कूड़ा उठाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कोई, मेरे पूरे वार्ड में आप देखोगे लगभग 100 पार्क है और 100 के 100 पार्क आपको बिल्कुल टिंच मिंच मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसा अब इनका परिवार इनसे जुड़ गया है विमल जैन वाटिका के नाम से, तो मैं सोचती हूँ कि ये अब इसको और भी बहुत अच्छा बनाएंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं आज इनको कि आज इनका, बड़ी आंटी जी अभी बड़ी भावुक हो गई थी, तो मन से होता है आज वो स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे विमल जैन जी कि चलो बच्चों ने तो हमारे लिए कुछ किया, तो बहुत बहुत मैं इनको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि विमल जैन वाटिका का जो नामकरण हुआ है तो ये पार्क इनको बहुत अच्छा इनको बनाए रखने के साबित होंगे। विमल जैन जी के नाम पे वाटिका का नामकरण किया गया है, तो सर समाज में कितनी खुशी है, बड़े हर्ष का विषय है और ये लोगों के लिए प्रेरणादायी भी है, लोग इससे प्रेरित होकर समाज के प्रति कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हर्ष का विषय हमारे लिए हो ही नहीं सकता, हर्ष भी है और गर्व भी है। बात ये भाई, विमल को याद करने का, दिलों में बसाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे क्षेत्र की वाटिका में आज उनके नाम से यहाँ उद्घाटन हुआ है। समाज को जो समर्पण और प्यार, दुलार और इकट्ठा करने में विमल भाई को हमेशा याद रखा जाएगा और उन्हीं याद में आज ये यहाँ आपके यहाँ वाटिका बनी है। बहुत बहुत बधाई क्षेत्र के वासियों को और आपको, धन्यवाद। हमें, मैं सारिका गुप्ता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। ये मेरे सगे मामा जी हैं, दुख तो है उनके जाने का, लेकिन एक मन में ये खुशी भी है कि जो समाज उनके नाम को आगे बढ़ा रहा है, तो एक देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हमारे, उनके नाम से जब ये पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो दिल में खुशी है कि वो आगे चल कर के परिवार उनके नाम को और ऊँचाइयों तक लेके जाएगा।